लास्ट टाइम इसमें ऑर्डर हुआ था कि मैनेजर को बुलाया जाए एयू फाइनेंस कंपनी की हाँ तरफ हाँ से। क्या हुआ? आए तो थे, मैंने देखा तो उस टाइम, बट अभी वो पता नहीं मुझे। आपकी गाड़ी जो बेच दी वो ही है जी ना जी ये? जी हाँ चले गए, देख लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। 5 मिनट से देते हैं इनको, 5 मिनट वेट जी करिए, मैम, देख लीजिए। आप भी अगर बाहर हो तो बुला लीजिए। अच्छा लीजिए, कहाँ है आपके मैनेजर साहब? लॉर्ड मैनेजर साहब कहाँ है आपके? है बुलाइए। माय लॉर्ड, नोटिस किस तारीख को डिस्पैच किया था आपने? पोस्ट ऑफिस है सर। पोस्ट ऑफिस तो भेजा, किस मोड से भेजा है आपने? स्पीड स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजा है आपने, तो भेजा गया है सब। फिर इसका इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? एक्नॉलेजमेंट वेर इज दी सर्टिफिकेट दैट दिस नोटिस सब, जैसे वाज? ना सर्टिफिकेट जैसे टिकट लॉटरी, क्योंकि ये हम लोग बंच में देते हैं। आप बंच में देते हैं, यस ओके, लॉटरी तो लोग, बट व्हेन देयर इज अ केस व्हेन शी इज सेइंग दैट नो नोटिस वाज सर्वड ऑन आर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव इट After obtaining a certificate from the post office that said notice was served on her. यस लॉटरी आफ्टर 6 मंथ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता पोस्ट ऑफिस के पास। तो ये पिटीशन कब लगी थी? ये दिसंबर में लगी थी लॉटरी, जी फिर दिसंबर आपने 2/3/2022 को भी तो भेजा है नोटिस, फिर 6 महीने कहाँ होगा इसको? इसको सर, जी, 2/3/2022 का भी तो सर नोटिस उसका लगा। उसका भी सर, उसका भी एक्नॉलेज है, फ्लैग है हाँ उसका, ट्रैक है सर, फ्लैग है सर हाँ दीजिए उसका ट्रैक, उसका, दीजिए। ट्रैक उसके साथ ही है, उसने दिया ऊपर वो सब सिंगल है, जो दिया नीचे लगा हुआ है इसमें हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए। उसको दे दिया सर, सर आपको को तो दे ये दिया 12 ट्रैक। 12/3/2022 को नोटिस डिलीवर हुआ है। गाड़ी कब ऑक्शन की है आपने? डेट ऑफ ऑक्शन क्या है? डेट ऑफ सेप्टेम्बर 2021 लॉटरी नोटिस तो ये नोटिस उसके बाद किस चीज का दिया है आपने? सर, उसका बात कर दिया है जो हमने 12/3 को जो नोटिस हुआ है वो किस बात के लिए दिया है? सर, जो लॉस वो पैसा मांगा हमने इससे पैसा, अच्छा जी, और लॉस आफ्टर लॉस जो लॉस तो गाड़ी सीज करने के बाद हाँ जो पैसा हमें एक्सेस आया था हाँ इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका लॉटरी 13 दिसंबर 2021 को, और फिर ये बात उन्होंने आज तक बताया नहीं कोर्ट में साहब से क्या, कि पैसा हमको रिफंड हो चुका है, कितना रिफंड हुआ? अच्छा 84,000 रुपये लॉटरी सर, 1,00,000 रुपये था, 26,000 रुपये टीडीएस कटा है, बाकी पैसा उनके अकाउंट चला गया चला है गया। सर। टीडीएस ये का सर्टिफिकेट दे दीजिए इनको। अब मैं जो सर टीडीएस काटा उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? मंगवा देंगे सर्टिफिकेट हम वहां अरे से मंगवा सर। दीजिए, कोई मेहरबानी थोड़ी ना करेंगे लिंगर भैया। ऑन हो रहा है सर केस, बहुत ज्यादा ये कर रहे सब हैं। जो माइक पे ऑर्डर कर दिए सब अच्छे कर सकते हैं। एक तो सर ने बिना नोटिस करे सर गाड़ी हमारी भेज दी, नहीं सर नोटिस किया साहब, नोटिस हमने किया किया है नहीं किया सर, हमने डिलीवर भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे साइन भी नहीं है सर कहीं पे सर। भी। आपका पता ये नहीं है कि 1504? 604 सर, ये इनका फादर का एड्रेस है और इनके फादर की डेथ हो चुकी है सर, तो ये इनका एड्रेस, इन्होंने अनुबंध में क्या एड्रेस लिखा इनका था? एड्रेस है, नहीं एड्रेस है, एक मिनट रुक जाइए वकील है साहब। सर, इनका एड्रेस है सर, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था क्या? एग्रीमेंट एग्रीमेंट में में क्या एड्रेस लिखा था आपने? एक सर वेयर इज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट की सर, ये सर पेज नंबर पेज 55, नंबर 55 लॉट से 65, 55 55 55 ऑफ योर रिप्लाई दिखाइए। इसमें एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा है आपने मैडम? बताइए फिर, आप ये किस एड्रेस पे दे रहे थे? ये तो एड्रेस एग्रीमेंट में तो आपके दूसरा लिखा हुआ। हाउ दीज नोटिस आर वैलिड? अरे वो तो ठीक है, लॉट पता क्या दिया हुआ है? एंड दिस इज योर डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट देयर डॉक्यूमेंट कि इन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया। और आप नोटिस किस पते पर भेज रहे हैं? से आप फिर हाउ यू विल जस्टिफाई? आपके मैनेजर साहब जो है वो लॉ जेल जाएंगे, पूछ लीजिए। हाँ जो ऑफिसर जेल जाएंगे जो भी हो, गलत एड्रेस पे नोटिस कैसे भेजा इन्होंने? आप ही ने दिया है ना R53 नोटिस, लॉयर, R15/1/20, 5/1/21, 27/9/21, जो पता है एग्रीमेंट में लिखा उससे दूसरे डिफरेंट ये क्या लिखा पते पे कैसे भेज सकते हैं लिखा नोटिस? लॉट से काइंडली सी पेज नंबर 53 लॉट से 53 लॉट ये से क्या है? 53 वो एग्रीमेंट के जाते हुए पहला पेज हाँ, है, क्या लिखा उसमें? 1504 सब सेम एड्रेस जो हमने नहीं भेजा नहीं इसमें क्या लिखा, क्या ये एड्रेस क्या है? है 1504 एड्रेस इंदिरा वो तो हम भी पढ़ना जानते हैं मानेगांव अपना वकील साहब। एक जना बहस करेगा, ये करेंगे या आप करेंगे, सर, मेरे को दिखता एक ही जना नहीं बैठ सर, जाइए।
मेरे को दिखता ही इसलिए बस पढ़ने को। अच्छा ठीक है, दिखता नहीं तो ये बात बता दीजिए आप। मतलब ये ब्लाइंड है। ठीक है ठीक ठीक। दूसरे पेज पे दूसरा पता कैसे लिखा? वो बारोबार का है जी, वो एक हायरर होता है, एक बारोबार होता है। हाँ, तो हायरर कौन है? बारोबार उनका बेटा है। हाँ, स्कूल तो ये तो गारंटर हो गए ना छोटे लाल जी। नोटिस किसको देंगे पहले? हायरर को देंगे। तो हायरर को कहाँ दिया नोटिस, यही तो पूछ रहे हैं। हायरर विकास कोल है? हायरर छोटे लाल कोल है साहब। हायरर जो है छोटे लाल कोल है, गारंटर विकास कोल है। छोटे लाल कोल की सर डेथ हो चुकी है। कब हुई डेथ सर? इनकी डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर, हमने लगाया है। हाँ बताइए। पिटीशन में लगा है सर, एनेक्सर P1 में। ये सर हमारे पिटीशन में 11 नंबर पे लगा है, एनेक्सर P1। कब हुई डेथ इनकी? 12/11/2019। 6/11/19 जी जी, 12/11/19। हाँ जी सर, 6/11/19। गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? छोटे लाल कोल के नाम से रजिस्टर्ड थी। इन्हीं के नाम से लोन लिया। उनकी मृत्यु हो गई जी? मृत्यु कोई इंटीमेशन नहीं लाते बैंक को। चलिए आपको इंटीमेशन नहीं होगी, ठीक है, मान लिए। तो आपने गारंटर को नोटिस दिया क्या कि भाई बोरोअर पैसा नहीं चुका रहा है तो आप पैसा चुकाइए, नहीं तो गाड़ी कुर्क कर ली जाएगी? नहीं सर, गारंटर को नहीं दिया हमने। और ऐसा कोई क्लॉज है क्या गारंटर को नोटिस दिए बगैर कर देंगे आप? क्या बताएंगे ना, ये मैनेजर लीगल है ना ये? यस लॉर्ड। कहाँ से किया है लॉ आपने? आइए आगे आइए जी। कहाँ से किया है लॉ आपने? जबलपुर से, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा किया आपने। बताइए, अगर जो है जिसने लोन लिया है बोरोअर, अगर लोन नहीं चुकाता है, अब गारंटर को नोटिस देते हैं कि नहीं देते हैं? है जी देते। तो कब दिया गारंटर को नोटिस, इतना बता दीजिए। डॉक्यूमेंट R5 है सर। R5 क्या? R5/4। पेज नंबर 34 रिप्लाई कर। 34 देख लेते। बताइए मैडम, ये भी नोटिस भी है आपको? भी नोटिस है? नहीं सर, हमें रिसीव नहीं हुआ है सर इसमें नोटिस। रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन है मैडम, पता भी सही है इसमें, 369 इंदिरा आवास कॉलोनी। ये सिर्फ इन्फॉर्म करा गया सर हमको, हम रिसीव ही नहीं हुआ है सर, हमने रिसीव करा ही नहीं है, कहीं भी सिग्नेचर्स नहीं है सर हमारे इसमें। से क्या होता मैडम, रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन क्या है? इफ अ नोटिस इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बाय मेंशनिंग करेक्ट एड्रेस ऑन द एनवेलप, देन द प्रिजम्पशन इज दैट इट हैज बीन सर्व्ड। आपको पढ़ना है तो कानून पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूं। नहीं सर, इसमें मेरा यही कहना है सर कि मेरे क्लाइंट ने भी यही बताया कि आपके क्लाइंट के बताने से नहीं होता, उनने सर एक भी डॉक्यूमेंट कोई रिसीव नहीं किए थे। आप वकील हैं, यहाँ तक कि सर ये कटनी में थे, कटनी में देन एंड देन इनकी गाड़ी तुरंत ही। मुझे सबसे मतलब नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको उत्तर दीजिए। जितने लीगल इश्यूज थे वो मैंने आपके बिहाफ पे उठा दिए ऑलरेडी, बिल्कुल सर। ठीक है, जो बोरोअर थे छोटे लाल साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि उस पते पर अब कौन रहता है? 1504 पे? 1504 पे सर मुझे नॉलेज नहीं है, इनका निजी मकान इनका। एक मिनट रुक जाइए वकील साहब, रुक जाइए। आई एम सिटिंग हियर टू डू जस्टिस बिटवीन दी पार्टीज। सर मुझे नॉलेज नहीं है 1504 में। आप ये सवाल लिख लीजिए, 1504 में कौन रहता है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये विकास कोल साहब का ये पता यही है कि बदल गया है? नहीं सर, यही है इनका, यही है। 369, ठीक है, इतना पूछ के मेरे को बता दीजिएगा क्योंकि प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है। और तीसरा, ये जो बता रहे 87,000 रुपीज इतना जो है उन्होंने जमा करा दिया है आपके खाते में, अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आए? के पिताजी के अकाउंट में आया होगा, पूछ लीजिए कौन। अभी तो सर नहीं आया हमारे अकाउंट में, फादर के अकाउंट में सर। 13 दिसंबर 2021 को जमा किया है सर। 13 दिसंबर 2021 की एंट्री चेक कर लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, इनको दे दीजिए भाई। अकाउंट नंबर भी जैसे चेक करवा, ठीक है। कितने दिन में कर लेंगे सब कार्रवाई? आपके उस मकान में कौन रहता है, पिताजी के मकान में? मकान में हम ही लोग रहते हैं। 1504 में? यस सर, पर 1504 का वो गलत एड्रेस है, जो मकान नंबर है उसने वेरीफाई करते समय नगर निगम वालों ने वो एड्रेस गलत नंबर लिख दिया, उसको हमने सही कराकर 369 सही कराया था सर, हाउस नंबर। कब एग्रीमेंट में कब कराया आपने, सही ये बता दीजिए। ये सर आपने कब एप्लीकेशन दी है इनको कि ये जो हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया है? मैंने जब इनसे एग्रीमेंट किया था
तब मैंने अपना पर्सनली हाउस नंबर के साथ अपना ये सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। 369 है ना आपका? 369। इन्होंने नोटिस दिया आपको 369 पर? मेरे पास मैं अवेलेबल था जिस टाइम मेरे फादर एक्सपायर, उसके 3 महीने तक कोई मेरे पास नोटिस नहीं आया सर। चलिए नोटिस तो उसके बाद की तारीख के है भाई। आपके पिताजी की मृत्यु हुई है 6/1/2019 को, नोटिस है 6/11 को, नोटिस है 15/1/20 का, डिस्पैच है इसमें, ठीक है। और आपने आपने अपना तो दे दिया था, आपके पिताजी ने भी तो आईडेंटी कार्ड दिया होगा, उसमें क्या लिखा है 1504 लिखा है, नहीं तो सब कागज मंगवा लेते इनके लोन के। 1504 लिखा है आप बोल रहे हैं, वो पता गलत है, उन्होंने दूसरा भी सिर्फ एड्रेस दिया है सर, फादर ने थोड़ा ना दिया है मैडम, इन्होंने दिया है सर, मेरे कर लीजिए इसको सब वेरीफाई कर लीजिए, आ जाइए नेक्स्ट वीक।